राजकुमारी जी बैठिए, मैं आपको चूड़ियां पहना दूं। चले मेरे जहाँ बैचिया है उनसे तुम्हें दिखवा देंगे। देखो स्वाभाविक, हाँ हम लोग मनिहार बनकर यहाँ पर इसलिए आए, इसलिए आए हो
पत्रिका का सारा भेद लेने और अपनी माँ को पता लगाने। और ये बताओ मेरी माँ कैसे है? तुम्हारी माँ ठीक है, अच्छी है। तो अच्छी बात है। और एक बात याद रखना। कौन सी बात? मेरी माँ को बहुत कायदे से ख्याल रखना। और यहाँ से जाओ, अपनी माँ और पिताजी से बता देना कि मनिहार नहीं महोबे वाले हैं। वो मनिहार नहीं, वो महोबिया है। अब तुम मेरा इंतजार कर। मैं जरूर बताऊंगी अपने पिताजी से जाकर कि वो मनिहार नहीं महोबिया है। अरे राजा, तुम्हें जब जब देखती हूँ अपने दिल की धड़कन थुक थुक करती है। वो सावन का महीना कोयरा पड़ा, वो सावन का महीना पवन करे सो छोटी भी हूँ। सबसे ज्यादा आई गई हमारे माथे से।
और हमका लगा तो हम दिमाग लगे पथरी करते वापस हो गई ही मछला भाभी मिले और चाहे न मिले वही जाने उनके जाने वाला है। आइएगा दोस्तों, इधर ज्वाला सिंह अपनी हवेली पर बैठा होता है, उनके पुत्र सुआ पंखरी पहुंचते हैं और समस्त परिवार में क्या वार्ता होती है आप लोग जरा गौर फरमाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छे समाचार है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। समाचार अच्छे नहीं है। क्या कर रहे हो महारानी? मैं ठीक कहती हूँ, मेरा तो दिल घबरा रहा है। जो मैंने यहाँ चूड़ी पहनाने के लिए आए थे वो मलिका नहीं है स्वामी। तो कौन है वो? वो महाविया है। मैंने जिस चीज का हमें शक था वही हो गया कि मनिहारों के भेष में होने वाले हैं, चावल पथरी में आ गई। हाँ, तो बहुत कसर हो गया। ठीक है महारानी, तुम चलो, मैं कोई उपाय सोचता हूं। महावे वाले पथरी, लेकिन उन्हें पथरी आने का मजा जरूर चखाएंगे हम। जी मालिक, जी मालिक। अपनी सारी फौज तैयार करो और कई सूर्य उदय होते ही महल वालों को भेड़ दो और हवा चादर को